गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक के प्रोज का चैप्टर नंबर 11 है, इफ आई वर यू बाय डॉगलस जेम्स। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये बिना देरी के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड, यदि इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्ले लिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें फर्स्ट नंबर पैसेज है जेरार्ड नॉन चैलेंट वेल डू यू। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हु इज नॉन चैलेंट, यानी बेपरवाह कौन है। ए ऑप्शन है जेरार्ड, बी ऑप्शन है इंट्रडर यानी घुसपैठिया, सी ऑप्शन है ए एंड बी बॉथ यानी ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए जेरार्ड। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हु लिव्स अलोन, यानी कौन अकेला रहता है। ए ऑप्शन है इंट्रडर यानी घुसपैठिया, बी ऑप्शन है जेरार्ड, सी ऑप्शन है जेरार्ड्स फादर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है बी जेरार्ड। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, यानी उस पाठ का शीर्षक लिखें जिससे उपरोक्त गद्यांश लिया गया है। ए ऑप्शन है इफ आई वर यू, बी ऑप्शन है द लिटिल गर्ल, सी ऑप्शन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, और डी ऑप्शन है द फन दे हैड। तो इसका सही ऑप्शन है ए इफ आई वर यू। इसमें सेकंड नंबर पैसेज है जेरार्ड योगल लेट मी बैक जस्ट द सेम। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हु इज जी इन द फर्स्ट सेंटेंस, यानी पहले वाक्य में जी कौन है। ए ऑप्शन इंट्रडर यानी घुसपैठिया, बी ऑप्शन है सर्जेंट यानी सर्जेंट, सी ऑप्शन है जेरार्ड, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए इंट्रडर यानी घुसपैठिया। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है फॉर व्हाट इज दी वांटेड ऑलरेडी, यानी पहले से ही किस लिए वांछित है। ए ऑप्शन है फॉर स्टीलिंग यानी चोरी करने के लिए, बी ऑप्शन है फॉर मर्डर यानी हत्या करने के लिए, सी ऑप्शन है फॉर चीटिंग यानी धोखाधड़ी के लिए, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी फॉर मर्डर यानी हत्या के लिए। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है टू होम डज द वर्ड दे रेफर, यानी वे शब्द किसको संदर्भित करता है। ए ऑप्शन है टू द पुलिसमैन यानी पुलिस वालों को, बी ऑप्शन है टू द मैन यानी पुरुषों के लिए, सी ऑप्शन है इंट्रडर एंड जेरार्ड यानी घुसपैठिया और जेरार्ड के लिए, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए टू द पुलिस मैन यानी पुलिस वालों को। इसमें थ्री नंबर पैसेज है द गेम्स ऑफ एज देयर इट इज। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हु इज आई इन द फर्स्ट सेंटेंस, यानी पहले वाक्य में आई कौन है। ए ऑप्शन है जेरार्ड, बी ऑप्शन है इंट्रडर, सी ऑप्शन है सर्जेंट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है ए जेरार्ड। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट गेम इज अप, यानी कौन सा खेल चल रहा है। ए ऑप्शन है कमिटिंग द मर्डर यानी हत्या करने का, बी ऑप्शन है स्टीलिंग द गुड्स यानी सामान चोरी करने का, सी ऑप्शन है टू द चीटिंग यानी धोखाधड़ी करने का, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है ए कमिटिंग द मर्डर यानी हत्या करने का। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है हु गॉट वन ऑफ जेरार्ड्स मैन, यानी जेरार्ड का एक आदमी किससे मिला। ए ऑप्शन है इंट्रडर, बी ऑप्शन है पुलिसमैन, सी ऑप्शन है पीपल, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है बी पुलिसमैन। इसमें फोर नंबर पैसेज है हेलो यस स्पीकिंग इन द पब्लिक बार। इस पैसेज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हु इज जी हियर, यानी यहाँ पर जी कौन है। ए ऑप्शन है इंट्रडर, बी ऑप्शन है जेरार्ड, सी ऑप्शन है सर्जेंट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है बी जेरार्ड। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाई डज जेरार्ड कॉल सर्जेंट, यानी जेरार्ड सर्जेंट को क्यों बुलाता है। ए ऑप्शन है टू अरेस्ट इंट्रडर यानी घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के लिए, बी ऑप्शन है टू फ्री इंट्रडर यानी घुसपैठियों को मुक्त करने के लिए, सी ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट इंट्रडर यानी घुसपैठियों की रक्षा करने के लिए, डी ऑप्शन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए टू अरेस्ट इंट्रडर यानी घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के लिए। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है वेयर वाज द सर्जेंट, यानी सर्जेंट कहाँ था। ए ऑप्शन है इन पुलिस स्टेशन, बी ऑप्शन है इन द पब्लिक बार यानी सार्वजनिक जगह पे,
सी ऑप्शन इन द हाउस और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है बी इन द पब्लिक बार यानी सार्वजनिक स्थान पे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।